पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर शुभेंद्रु की मौत कोरोना से हो गई है, जिसके बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले जूनियर डॉक्टरों के बीच हड़कंप मच गया है। सभी को डर सताने लगा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में 9 जूनियर डॉक्टरों जो साथ में छात्रावास में रहते थे, उन लोगों को कोविड पॉजिटिव निकल आया है, जिनका इलाज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। जूनियर डॉक्टरों का कहना कि कल से एग्जामिनेशन बोर्ड ले रही है। सभी छात्र छात्राएं बीमार हैं और इन लोगों का टेस्ट भी काफ़ी देरी से अस्पताल प्रशासन ले रही है। ऐसे समय में एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाना चाहिए था, लेकिन बोर्ड की तरफ से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। और जूनियर डॉक्टरों को कोविड-19 का टेस्टिंग आज से शुरू की गई है, जिससे डॉक्टरों में काफी आक्रोश है। डॉक्टर शुभेंदु शुभम 16 बैच का हमारा प्यारा जूनियर है, बहुत अच्छा जूनियर था, पढ़ने में भी काफ़ी तेज था, काफ़ी तेज तरार लड़का था, और आगे चलकर वो मतलब कि उसका फ्यूचर वो उसका था कि हम कि UPSC क्वालिफाई करे, इन सब चीज़ों में मतलब कि आगे वो बढ़ना चाह रहा था। और शुभेंदु शुभम के बारे में जो हमने मीडिया के बारे मतलब पेपर में छोटे छोटे पेपरों में जो मैंने देखा है, वो बहुत गलत न्यूज छपा हुआ है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ कि शुभेंदु शुभम पॉजिटिव आया, उसे कॉलेज प्रशासन की तरफ से बला बला ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन वो सब ऐसा कुछ नहीं था। और वो पेपर में लिखा हुआ था वो ननिहाल गया है, ऐसे वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ननिहाल गया है, कहीं और गया है। शुभेंदु शुभम की बात हम बताते हैं कि जब शुभेंदु शुभम पॉजिटिव आया था, तो शुभेंदु शुभम एक नॉर्मल कोरोना पॉजिटिव मरीज की तरह यहीं पर रह रहा था हॉस्टल में। जब पॉजिटिव उसका रिपोर्ट आया, एक दिन वो जब रहा, तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से उसे बोला गया कि आप हॉस्टल खाली कर दें। कितने तारीख को आया था कोरोना? एग्जैक्ट हमें डेट नहीं याद है, लेकिन हो सकता है 1 वीक हो चुका है, तो ये हमें एग्जैक्ट एक डेट नहीं याद है, 25 तारीख को, तो वही 25 तारीख के अप्रोक्स आया था। तो वो जब उसे बोला गया कॉलेज प्रशासन की तरफ से कि आप पॉजिटिव हैं तो आप कॉलेज खाली मतलब हॉस्टल खाली करते हैं, तो वो थोड़ा उस समय उसे दिक्कत हुई कि अब हम जाएंगे कहाँ, तो वो अपना लोकल गार्जियन से बात किया, उसके बाद वो घर चला गया। एक मिनट बताइए, क्या बातें हुई प्रिंसिपल से? जी, अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे, वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने बोला कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं और अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो हमारे बच्चों की जान खतरे में, ठीक है, इसलिए हम लोग तो AKU को लिख करके दे चुके हैं, एप्लीकेशन मेल कर चुके हैं, और आपके अटैच एप्लीकेशन के साथ हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं पॉजिटिव हैं, बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे लोगों का सैंपल लिया गया है जो कि रात तक रिपोर्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद और कितने पॉजिटिव निकलते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कल तो हम लोगों को एग्ज़ाम देना ही है, कल जाकर के AKU के सेंटर पे एग्ज़ाम देंगे। और कॉलेज ने बोल दिया है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हम नहीं भेज गए आपको वहाँ पे, अगर मेरे हाथ में रहता तो हम अभी कैंसिल कर देते आपका एग्ज़ाम, लेकिन चूंकि AKU ले रहा है, AKU एग्ज़ाम ले रहा है, तो AKU जवाब नहीं देगा कि वो क्या करेगा अगर आप में से कोई भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हमारे कॉलेज ने बोल दिया है कि हम लोग हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हम तो मना कर ही रहे हैं और हम आपके साथ हैं, आपके फेवर में हैं, लेकिन AKU अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि अब वो क्या करेगा अगर हम में से कोई भी बच्चा पॉजिटिव निकल जाए, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो इतने इंतजाम हैं कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव निकले तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जा रहा है इमीडिएटली, ठीक है, लेकिन अब अगर हम में से जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो तो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अगर छूटा तो सप्ली लग जाएगा, ठीक है, तो अब वो लोग AKU जा रहे हैं, अब हम लोग AKU जाएंगे, अब फिर वहाँ से बात करेंगे, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि अभी हम लोग वाइस चांसलर से जाकर की बात करें, और इतने कम टाइम में हम लोग ये होम सेंटर करवाने का नोटिस लेकर के आए, पोस्टपोन कराने का नोटिस लेकर के आए, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रधान सचिव आने वाले थे, क्या हुआ? जी, प्रधान सचिव और हमारे प्रिंसिपल सब हमारे फेवर में, बस ये है कि इनकी बात AKU में नहीं सुनी जा रही, ठीक है, तो AKU अब हमें बताए कि क्या होगा अगर लोगों की तरफ से क्या जवाब देंगे। NMCH के कितने स्टूडेंट? जी, हमारे NMCH 120 स्टूडेंट हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।